हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज का वीडियो जो है वो लीफ कर्ल के बारे में है। आज के वीडियो में हम कंप्लीट लीफ कर्ल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कितनी तरह का होता है और इसके मतलब रीज़न क्या है, किन कारणों से ये होता है और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, मतलब कि कैसे इसको इसकी रोकथाम कर सकते हैं और ये किन किन जो प्लांट्स हैं उनमें होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो आप इसे लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीफ कर्ल जो है वो होता क्या है, कैसे पहचाने कि हमारे प्लांट में जो लीफ कर्ल प्रॉब्लम है। तो देखिए, उसकी एक सिंपल सी पहचान है, आप अपने प्लांट को एग्जामिन करिए, उसको ठीक से देखिए। अगर तो उसके पत्ते मुड़ रहे हैं, जैसे अगर लीफ कर्ल होगा ना तो आपके प्लांट के पत्ते ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेंगे, वो या तो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड होंगे, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ेंगे, या फिर वो ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड होंगे, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएंगे कटोरी की तरह। तो अगर ये प्रॉब्लम है आपके प्लांट के लीव्स में तो समझ लीजिए कि आपके प्लांट में लीफ कर्ल का प्रॉब्लम है। तो अब बात करते हैं कि ये कितनी तरह का होता है। तो देखिए, मैंने पहले जैसे बताया कि एक में पत्ते ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ते हैं और एक में पत्ते नीचे की तरफ मुड़ते हैं, ये दो तरह का मेन होता है लीफ कर्ल, कि या तो पत्ते अपसाइड फोल्ड होंगे या डाउनसाइड फोल्ड होंगे। तो ये दो तरह का हो गया। अब बात करते हैं कि ये किन कारणों से होता है। तो जो मेन लीफ कर्ल है ना, वो उसके मेन तीन कारण होते हैं होने के, और जो ये तीन कारण होते हैं मेन इसके होने के, और ये ना मेन जो होता है वो होता है सबसे ज़्यादा मिर्च में, शिमला मिर्च में और टमाटर के प्लांट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन वेजिटेबल्स के प्लांट्स में, मिर्च, शिमला मिर्च और टमाटर। बाकी एक दो प्लांट्स और भी हैं जिनमें ये होता है, और जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया है वो होता है ये पोल्का डॉट में। पोल्का डॉट जो प्लांट होता है ना उसमें ये मतलब होना ही होना है लीफ कर्ल। अगर आपने हल्की सी भी लापरवाही दिखाई अपने प्लांट को लेके तो उसमें आपको लीफ कर्ल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और मिर्च टमाटर में अगर आप थोड़ी केयर कर लोगे स्टार्टिंग में तो आप इसको क्योर कर सकते हो इजीली। तो अब बात कर ली कि किन किन प्लांट्स में होता है। अब बात करते हैं कि किस किस वजह से होता है। तो देखिए, सबसे जो पहला और मेन कारण है लीफ कर्ल होने का वो होता है स्ट्रेस। अगर आपका पौधा स्ट्रेस में होगा तो वो जो अपने पत्तों को फोल्ड कर लेता है, और स्ट्रेस से होने वाला जो लीफ कर्ल है ना वो मोस्टली टमाटर में होता है। जब आपका पौधा स्ट्रेस में आएगा तो वो लीफ को कर्ल करेगा। अब स्ट्रेस किस बात का, या तो अंडर वाटरिंग का या फिर ओवर वाटरिंग का। मोस्टली जो होता है वो अंडर वाटरिंग की वजह से ही लीफ कर्ल होते हैं। जब पौधा स्ट्रेस में जाएगा उसका उसमें पानी की कमी हो जाएगी, तो वो जैसे टमाटर का पौधा है ये, तो अगर इसमें पानी की मॉइस्चर नहीं होगा ना तो ये ऐसे पौधों पत्तों को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेगा ताकि मॉइस्चर जो लॉस है वो कम हो, पानी की कमी को बचाने की पूर्ति के लिए, पानी को बचाने के लिए, अपने मॉइस्चर को बचाने के लिए ऐसे पत्तों को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेता है। पत्ते ऊपर से बंद हो जाएंगे तो जो पौधा है उसका मॉइस्चर लॉस कम होगा, तो उस वजह से पत्ते फोल्ड होते हैं। तो ये तो हो गया एक स्ट्रेस की वजह से। दूसरा कारण जो होता है मेन आपका लीफ कर्ल का वो होता है इंसेक्ट्स। अगर आपके प्लांट में इंसेक्ट्स लगे हैं ना तो भी पत्ते फोल्ड होते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो आपको जैसे अपने प्लांट में देखा, नोटिस किया कि उसके पत्ते फोल्ड हो रहे हैं, एक मिनट में आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पत्ता मिर्च का प्लांट है और इसके पत्ते नीचे की तरफ फोल्ड हुए हैं। तो आपको पहले इसको ये करना है श्योर कि ये पत्ते किस वजह से कर्ल हैं। ये आप पलट के देखेंगे तो इनके पीछे एक कीड़े लगे हैं। अगर तो कीड़े लगे हैं तो इसका मतलब ये इसकी वजह कीड़े हैं, ये जो फोल्ड हुआ है लीफ इसकी वजह कीड़े हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स की वजह से ही लीफ जो है फोल्ड हुआ है, मेरा ये वाला पौधा जो है इसके पत्ते इंसेक्ट्स की वजह से कर्ल हो रहे हैं नीचे की तरफ ना। और इंसेक्ट्स की वजह से जो लीफ कर्ल होते हैं उसमें भी दो तरह के लीफ जो है कर्ल होते हैं, या तो अपसाइड या फिर डाउनसाइड। अगर तो अपसाइड जो है लीफ आपके ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं
ऐसे ऊपर की तरफ, तो आप समझ जाओ ये ना एफिड्स का या वाइट फ्लाइज का अटैक है। तो आप एक श्योर हो जाओ कि इन दोनों में से किसी एक चीज़ का अटैक है, तभी ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं। अगर पत्ते जैसे ये नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, तो ये होते हैं माइट्स की वजह से। स्पाइडर माइट्स का अटैक होगा तो पत्ते नीचे की तरफ मुड़ेंगे, अगर एफिड्स का और वाइट फ्लाइज का अटैक होगा तो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। ये एक सीधी सीधी पहचान है, ठीक है। ये हो गया दूसरा कारण। और तीसरा कारण होता है वायरस। अगर आपके प्लांट में लीफ कर्ल वायरस आया है तो भी पत्ते जो हैं वो मुड़ते हैं, मगर उनकी पहचान थोड़ी अलग होती है। मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे होते हैं। ये देखिए, जो ये है ये पहचान होती है लीफ कर्ल वायरस की। ये देखिए, इसमें पत्ते मुड़े तो हुए हैं, साथ में पत्तों में सिकुड़न भी है और उभार भी हैं, बिल्कुल भी इवन नहीं है पत्ते। तो ये जो पत्ते हैं, ये देखिए नीचे की तरफ भी मुड़े हुए हैं, ये नीचे की तरफ है, ये वाला नीचे की तरफ भी मुड़े हैं, ऊपर की तरफ भी मुड़े हैं, पर पत्ते जो हैं वो एक सार नहीं है, उनमें उभार है और वो श्रिंक से, सिकुड़े हुए से महसूस हो रहे हैं। तो ये पहचान होती वायरस की। ये वायरस अटैक है, ये माइट्स का अटैक है, और जो ये ऐसे ऊपर की तरफ मुड़े हैं ये थ्रिप्स और एफिड्स का अटैक है। ये तीन कारण होते हैं मेन, चार कारण। एक मॉइस्चर का है, उसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मॉइस्चर वाले को पानी दीजिए पौधे को, उसकी मॉइस्चर की जो पानी की कमी है उसको दूर कर दी, पौधा थोड़ी देर में विद इन हाफ एन आवर पौधा अपने आप को सही कर लेता है। पर जो ये तीन कारण है, एफिड, माइट्स और वायरस, इनका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है और जल्दी करनी पड़ती है, नहीं तो पौधा आपका पूरा ख़राब हो जाता है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इलाज में सबसे पहले बात करते हैं जो स्ट्रेस की वजह से लीफ कर्ल होते हैं, उसमें तो देखिए सिंपल ही है। आप पौधे की प्रॉब्लम को समझिए, किस वजह से स्ट्रेस में है, उस स्ट्रेस को दूर करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पत्ते नॉर्मल हो जाएंगे। अगर तो वो धूप की वजह से, तो पौधे को थोड़ी शेड प्रोवाइड कराइए। अगर वो मॉइस्चर की वजह से हैं, पानी में अंडर वाटरिंग हो रखी है, पौधे में पानी की अंडर वाटरिंग हो रखी है, तो आप पौधे को पानी दीजिए, वैसे पौधे की पत्तियां सही हो जाएंगी। अब आते हैं दूसरे कारण पे। अगर पौधे में इंसेक्ट्स की वजह से लीफ कर्ल है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, जितनी भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं ये, इनको आप प्लग करिए और इनको अपने गार्डन से दूर फेंक दीजिए, जितनी भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं। उसके बाद देखिए अब साफ साफ लीव्स रह गई हैं पौधे के ऊपर, ठीक है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, पहले तो हमने लीव्स प्लग कर ली, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक अच्छा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है। अगर माइट्स की प्रॉब्लम है तो मैं आप माइट्स के लिए स्प्रे कीजिए, अगर एफिड्स वाइट फ्लाइज का अटैक है तो उसके लिए अच्छा पेस्टिसाइड स्प्रे कीजिए। और पेस्टिसाइड जो भी आप यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक में ही यूज़ करना, क्योंकि ये हमारे मिर्च के प्लांट हैं। अब बात करते हैं जो वायरस की वजह से अटैक हुआ है, पत्ते जो हैं वो कर्ल हुए हैं, तो उसमें भी क्या है कि ऐसे ऐसे सारे पत्ते जो हैं आप अपने प्लांट के रिमूव कर दीजिए और इनको अपने गार्डन से दूर कर दीजिए। सारे पत्ते रिमूव करने हैं, और इन जो पत्तों को ना आपको अपने कंपोस्ट बिन में भी नहीं डालना, क्योंकि जो वायरस होता है ना उसको रोका तो जा सकता है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अगर आप इन पत्तों को कंपोस्ट बिन में डालेंगे ना, तो कंपोस्ट में भी आपके वायरस रहेगा, तो इसलिए से हमें कंपोस्ट में भी नहीं डालना, इनको डिस्ट्रॉय ही करना है। सारे पत्ते आप हटा दो, एक भी पत्ता आपका जो इन्फेक्टेड है ना वो इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर नहीं छोड़ना है आपको, जिसमें वायरस अटैक है। मेरे इस प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग भी स्टार्ट होगी, पर मैं फ्रूटिंग भी हटाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पत्ते के ऊपर वायरस नहीं चाहिए। बस बाकी अब सारे ठीक हैं, इन्फेक्टेड लीव्स सारी मैंने हटा दी हैं। सारे पत्तों को हटा देने के बाद अब हमें करना है उसके लिए मेडिसिन रेडी करनी है, जिसका हम उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। तो सबसे जो कारगर मेडिसिन होती है ना, वो होती है ये लस्सी की और तांबे के बर्तन की। आपको करना क्या है, दही लेना है, उसकी लस्सी बनानी है, जिसे मट्ठा या छाछ बोलते हैं, दही की लस्सी बना के उसको ऐसे किसी बर्तन में डाल के ना, उसके अंदर ये लोटा, तांबे का लोटा आपको भिगो के रख देना है। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है, तो ऐसे जो इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, इनको छीलिए, इसके अंदर ऐसे, ये देखिए कॉपर की जो तांबे की वायर होती है ना, ये जो मटेरियल निकलेगा अंदर से, ये वायर, इसको निकालिए,
इसका ऐसे रोल बना के वो भी आप इसके अंदर डिप करके रख सकते हो, तो भी आपकी ये मेडिसिन रेडी हो जाएगी, दवाई तैयार हो जाएगी। पर इस दवाई को ना अब इसमें एक चीज और डालनी है, एक तो ये लस्सी ली, लस्सी के अंदर हमने तांबे का बर्तन डाल दिया, अब एक चीज और डालनी है, वो है नीम की पत्तियां। जैसे ये देखिए मैंने नीम की पत्तियां ले ली हैं, और नीम की पत्तियों को आपको पीस काटना नहीं है, इनको ना आपको पीसना है ताकि इनका जूस निकले, इनका जो रस निकलेगा ना वो इसके अंदर जाए। आप ऐसे हाथ तोड़ के हाथों से भी मसल सकते हो, ऐसे तोड़ के हाथों से भी मसलिए इनको, मसल के थोड़ा सा अरक निकल जाए, और उनको इसके अंदर डाल के, लस्सी के अंदर डाल के आपको डिप करके इसको ढक के रख देना है 15 दिन के लिए। ये 10 से 15 दिन लग जाते हैं इस मेडिसिन को बनने के लिए, दवाई को बनने के लिए। जब 10-15 दिन के बाद आप देखोगे ना तो इसका कलर ये देखिए ऐसा डार्क हो जाएगा। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ये, तो ये मैंने काफ़ी पुराना है और मैं इसको बस यूज़ करती रहती जब मुझे यूज़ करना होता है। ये देखिए, और इसमें से इतनी खट्टी स्मेल आ रही है ना, बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका है। और इसके इसको बनाने के बाद भी ना मैंने इसके अंदर कॉपर जो है वो डाल के रखा हुआ है, कॉपर की वायर और कॉपर के एक दो पीसीज हैं जो मैंने इसमें डाले हुए हैं, वो नट एक्चुअली स्क्रू के जो होते हैं ना कॉपर के स्क्रू, वो डाले हुए हैं। तो ये इसके अंदर बनते जा रहा है। जब हमें इसे यूज़ करना है ना, हमें 1 लीटर पानी लेना है, और 1 लीटर पानी में हमें ये 10 ml के करीब लेना है, और बॉटल स्प्रेयर में डालने से पहले ना हम इसे छान लेना है ताकि स्प्रेयर में कोई भी चीज़ फंसे नहीं। तो 10 ml ये लेके 2 लीटर पानी में आप मिलाइए उसे, और पूरे पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। बहुत अच्छा फंगीसाइड और जो है हमारा वो एंटी फंगीसाइड के साथ साथ ये हमारा इंसेक्ट भी बन जाता है, पेस्टिसाइड भी बन जाता है, इससे इंसेक्ट भी किल होते हैं। तो एक तो होगी हमारी ये मेडिसिन। अब जैसे ये वाली मेडिसिन है ना, इसको बनने में कम से कम 10 से 15 दिन लगने हैं, तो इंस्टेंट हमें क्या करना है, जिसकी जो भी तो वायरस है ना, तो 10-15 दिन में तो और बढ़ जाएगा, तब हमें क्या करना है। तो उसके लिए क्या कि आप अभी कुछ टाइम के लिए ना, आप जैसे ये लस्सी है, लस्सी के अंदर हल्दी मिला के, जैसे आपने 1 लोटा लस्सी ली, 1 लोटा लस्सी के अंदर ये कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा ये 25 ml या 30 ml होगी, 25-30 ml लस्सी लेके ना उसके अंदर आप 1 चम्मच हल्दी मिला दो, 1 चम्मच हल्दी मिला के उसको 1 लीटर पानी में मिलाओ और सारे पौधों पे स्प्रे कर दो। ये भी आपका जो है काम करेगा आपकी मिर्ची के पौधों पे या टमाटर के पौधों पर, कि थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेगा ये भी इंसेक्ट्स को भी और वायरस को भी। और दूसरा उपाय क्या है कि आपको ऐसे चाय की पत्ती लेनी है, चाय की पत्ती ले लीजिए, ये वही चाय जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, वही वाली पत्ती है ये, कोई भी ले लो। आप चाय की पत्ती लेकर, जैसे आपने 25 ग्राम चाय की पत्ती ली, उसको 250 ग्राम ही 25 ग्राम चाय की पत्ती और 250 ml जो वाटर लेके उसमें अच्छी तरह से बॉयल करना है। 25 ग्राम चाय पत्ती को 250 ml पानी में अच्छी तरह से मिलाकर उबालिए, जब तक कि उसका अच्छा पूरा कलर और उसका जो फ्लेवर है वो पानी में ना आ जाए। उसको उबाल के उस पानी को आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है और उसका स्प्रे करिए पत्तों पर, उससे भी ये जो चीज़ है इस पर कंट्रोल मिलता है काफ़ी हद तक। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते कि हमें कोई ईजी उपाय बताइए, तो ईजी उपाय मैं आपको बताती हूँ, वो है ये मेडिसिन। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है एंटीवायरस एंड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज को भी कंट्रोल करता है और ये वायरस से फैलने वाली डिजीज को भी कंट्रोल करता है। इस दवाई की आपको क्या करना है, 2 लीटर वाटर लेना है, 2 लीटर पानी लेकर स्प्रेयर में भरिए उसको, 2 लीटर पानी को, और उस पानी में आपको ये सिर्फ 1 ml, ये देखिए मैंने भरी हुई है डोज, 1 ml डोज को आपको पानी में मिला देना है। इस 1 ml को 2 लीटर में मिलाने के बाद आप अपने पूरे पौधों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और 100% ऑर्गेनिक है, हम अपने पौधों पर बिना किसी टेंशन के इनको स्प्रे कर सकते हैं। और जब आप इसको स्प्रे करेंगे ना, तब भी जो ये बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं उनको तो एकदम से ख़त्म कर देता है, और वायरस को एकदम से कंट्रोल कर लेता है, वायरस बिल्कुल नहीं रहने देगा पौधे के ऊपर। मैंने अपने सारे प्लांट्स के ऊपर ये किया था जब मेरे पौधे 25 से 30 दिन के थे, और अभी तक मेरे जो ये वाले मिर्ची के पौधे हैं इनके ऊपर किसी के ऊपर भी वायरस का अटैक नहीं है। ये देखिए कितने सारे प्लांट है मेरे, इनमें से किसी के ऊपर भी जो है वायरस का अटैक नहीं है, क्योंकि इन सारे पौधों के ऊपर जो मैंने ये वाली मेडिसिन का स्प्रे किया था।
ये देखिए यहाँ जो पौधे हैं उन पे भी किसी पे भी वायरस का अटैक नहीं है, पर मेरे इन वाले पौधों पर वायरस का अटैक था क्योंकि ये बिल्कुल निग्लेक्ट रह गए। ये इस मेरे पुराने वाले टमाटर के पौधों में लगे हुए थे और बाकी के प्लांट तो मैंने यहाँ से लेके ट्रांसप्लांट कर दिए, पर ये कुछ पौधे मतलब तीन पौधे हैं इसके अंदर ये इसी गमले में लगे रह गए क्योंकि मुझे जगह नहीं मिली इनको ट्रांसप्लांट करने की। और इनके ऊपर ना तो कि मैंने किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे किया और ना ही किसी फंगीसाइड का स्प्रे किया, और मेडिसिन का तो भूल ही जाओ। और उस चक्कर में ये बेचारों के ऊपर वायरस का अटैक हो गया क्योंकि वायरस शिमला मिर्च होगी, मिर्च होगी और टमाटर हो गया इनके ऊपर। अब अगर आपने जरा सा भी इनको निग्लेक्ट किया ना, इनकी ठीक से केयर नहीं की, तो वायरस का अटैक तो इनके ऊपर होना ही होना है। और ये लीफ कर्ल तो हमेशा आएगा मिर्च के ऊपर, टमाटर के ऊपर और शिमला मिर्च के ऊपर। और ये पौधे इन पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरे ना पुराने वाले टमाटर के पौधों के अंदर लगे हुए थे और इन पौधों को मुझे हटाना था, तो मैंने इन पौधों को इग्नोर किया तो साथ में ये मिर्च के प्लांट भी इग्नोर हो गए। तो अब क्या है कि मैं इनके ऊपर ये मेडिसिन वाला पानी जो है वो स्प्रे कर जाऊंगी, तो ये मेरे पौधे दोबारा से देखना आप जो न्यू लीव्स आएंगी ना इनके ऊपर ये बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और एकदम स्वस्थ आएंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।